चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से स्थान पर है, चौथे पे या आठवें, लेकिन बस ग्रह जो है आपस में कितना मेल खाते हैं, जब उनका संबंध आपस में बैठता है तो क्या वो फिर रिजल्ट देते हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है। तो पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अब राशियों की बात कर लेते हैं। जी जी, देखिए सबसे प्रथम बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। आज का दिन नई सौगात लेकर के आएगा और मेष राशि के जातकों के लिए आप आने वाले दिनों की प्लानिंग करते हैं। आज मेहनत आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दिलाएगी, बिजनेस में अच्छा धन लाभ आज होगा। आइए आगे बढ़ रहे हैं और अगली राशि की बात करते हैं वृषभ राशि। आज आप अपने निर्णयों पर दृढ़ रहें और दूसरों के विचारों से प्रभावित ना हो, अच्छा होगा कि आप अपने ही विचारों को सुने। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। देखिए किसी ऊंचे और खास इंसान से मिलते समय घबराएं नहीं और आज आत्मविश्वास बनाए रखें। ये सेहत के लिए उतना ही जरूरी है जितना काम धंधे के लिए पैसा व निवेश योजनाओं जो आपको आकर्षित कर रही है। बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज निवेश करते समय सावधानी बरतें, आज बिजनेस में धन लाभ होगा। इस राशि के स्टूडेंट को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, कला क्षेत्र से जुड़े छात्रों को आज अच्छा धन लाभ होगा। बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज जल्दीबाजी ना करें, किसी विवाद से बचें, भूमि व भवन संबंधी योजना बनेगी, रोजमर्रा की समस्या आसानी से सुलझ सकती है। महत्वपूर्ण फैसले लेना चाहते हैं तो आज ले सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। तनाव को नजरअंदाज ना करें, ये तमाकू और शराब की ही तरह खतरनाक महामारी है जो तेजी से पांव पसार रही है। आपको कई स्रोतों से आर्थिक लाभ होगा। अब बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज सोच समझकर पैसा खर्च करें, जरूरत से ज्यादा चीजों को शॉपिंग करने से बचें। आप सूची बनाकर ही जरूरी खरीदारी करें, इस राशि के छात्रों को आज कड़ी मेहनत करनी पड़ सकेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज अचानक से धन लाभ होने के योग हैं, जिससे धन की तंगी दूर होगी। पारिवारिक सदस्य भी सहयोग समर्थन देंगे, पूरे बुरे लोगों से दूर रहने की कोशिश करें। बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज अनचाहे ख्यालों को दिमाग पर कब्जा न करने दें, शांत और तनाव रहित रहने की कोशिश करें, इससे आपकी मानसिक दृढ़ता बढ़ेगी। अब बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज अपने सामने आई चुनौतियों का समाधान आसानी से खोज लेंगे। ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग न मिलने के कारण आपका काम लटक सकता है, किसी नए काम को करने से पहले बड़ों की सलाह लें, फायदा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों की। आज सोचे हुए काम भी समय पर पूरे होंगे। बिजनेस में प्यार और परिवार के बारे में आपको कुछ बातें आज पता चलेगी जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। परिवार में किसी बच्चे की सेहत को चिकित्सीय देखभाल की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों की। आपका तनाव दूर करने के लिए परिवार वालों की मदद लें, उनकी सहायता को खुले दिल से स्वीकार करें, अपनी भावनाओं को दबाएं और छुपाएं नहीं, अपने जज्बात दूसरों के साथ साझा करने से आज फायदा मिलेगा। यह है आज हमारी राशि फल। जी ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाग्यफल में फिलहाल इतना ही, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।